का बीमारी पाल ली, ध्यान ही नहीं देती। लो पानी पियो। अरे चाचा तबीयत और बिगड़ गई, पहले ही दिखा देती तो ठीक हो जाती। का करें, बाबा के पास ले जाएगा? अबे पागल हो गया क्या, भाभी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाहर तो सड़क पर देखते ही लाठी मारता है, और संतोष हमको पता है इलाज का जरूरत है। अरे लेकिन अस्पताल का है। अरे बाबा बाबा क्या कर लेंगे भाई, भाभी को डॉक्टर की जरूरत है, चलो जल्दी चलो। बुधिया जिद ना करो, बात मानो हमरी। हाँ हम है ना तुम्हारे साथ, फिर चलो चलो चलो। ऑटो निकाल, ऑटो निकाल। आगे बैठो चचा। बस बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। अभी डॉक्टर देखेगा, ठीक हो जाएगी। हाँ भैया भैया गेट खोलिए ना, हमारी बीवी बहुत तकलीफ में है। नहीं नहीं अस्पताल में बेड नहीं खाली है, आप नोटिस देख लीजिए। भैया प्लीज एक बार गेट खोल दीजिए, डॉक्टर को दिखा देंगे। आप दूसरा अस्पताल देख लीजिए, ठीक है। माधव ये संतोष, थोड़ा थोड़ा सा तेज भगाना भाई, थोड़ा बता। रुको, जल्दी से ठीक हो जाओ, चाउमीन खाने चलेंगे। हाँ सब ठीक होगा। चल माधव जल्दी जल्दी जल्दी। अरे डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी है। अरे भैया भैया इका देखो ना, बहुत तड़प रही है। बेड खाली नहीं है, आप लोग वेट करो। भैया कुछ करिए ना, देखिए हालत खराब है। अच्छा ठीक है, वेट करो, मैं आप डॉक्टर से बात करता हूँ। अरे फोन में बजा रहे हैं। संतोष इको बैठाना पड़ेगा, इको बैठाना पड़ेगा। जगह बना, जगह बना, जगह बना, बैठो बैठो बैठो। अरे कहा हुआ भर्ती नहीं किए का? अरे बिस्तर नहीं मिल रहा। तूने बोला नहीं कुछ? अरे बोले हैं भेजेंगे डॉक्टर। सब साले तेरे को टोपी पहना रहे, रुक मैं देख के आता हूँ। अंकल मेरी तो शिफ्ट खत्म हो गई है, डॉक्टर को बोला है ना आप लोगों ने, आ जाएंगे, घबराइए मत। अरे मैडम हम बोले हैं अंदर, लेकिन पता नहीं क्या होगा कहानी। इका देखिए ना प्लीज, आप लोग ही ऊपर करिए। कब से तबीयत खराब है इनकी? हो गया हफ्ता भर हो गया। और आप अब आ रहे हैं? हाँ दीजिए, टेस्ट करवाया? टेस्ट करवा लीजिए। मैडम आ गई है, ठीक हो जाओगी। हाँ ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? इनको ऑक्सीजन बहुत लो है, आप सिलेंडर का इंतजाम करवाइए। आप बोलिए ना अंदर, हम कहाँ से लाएंगे? अंदर भी लिमिटेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काम करिए, O2 सेंटर है वहाँ जाइए, जल्दी जाइएगा, ठीक है? ध्यान रखिए। यार सीधे मुंह कोई जवाब ही नहीं देता है, एक काम करो भाभी को यहाँ बैठा दो। हाँ हाँ बैठा लो। सुन मैं निकल रहा हूँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो मैं कॉल कर, बैलेंस है तेरे पास? कहाँ हुआ है? अरे ठेकेदार साला फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा सुनो एक काम करो, तुम जाओ इंतजाम करो, हम यहाँ आए बहू के पास। सुनो हमको साइड पर छोड़ो। चाचा अरे तुम इसको ठीक करवा जाओ। आगे आगे ध्यान रखना।
रुको, हम आते हैं। साइट को तो सैनिटाइज कर दिया है और सारे वर्कर्स का टेस्ट होगा। 14 दिन तक तो काम बंद रखना पड़ेगा। ठीक। साहब, ए दूर है। साहब हम आपको बहुत फोन किए। मास्क ऊपर कर। कहाँ फोन किए हैं? इतना तमाशा हुआ है यहाँ पे और तुम्हारा छुपाने के चक्कर में कितना बवाल हुआ है पता है तुमको? साहब भूतिया का हालत बहुत है खराब है, उसका ऑक्सीजन का जरूरत है, थोड़ा पैसा दे दीजिए। और हमारा नुकसान हुआ तुम भरोगे क्या? हैं? है पैसा तुम्हारे जेब में? साहब मर जाएगी हूँ। साहब आप हमारा मजूरी से काट लीजिएगा ना। अरे तुम काम कब किया है यहाँ पे, पैसा मांग रहा है? अब बुधिया का जो भी हिसाब है वो सब बाद में करेंगे, हमें नहीं पता है। जाओ। अभी जरूरत है साहब, प्लीज। हेलो, ए रुको। और सुनो, वो कल शाम को अपना सारा सामान लेके जाओ। भैया ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं मिलेगा ना? यहाँ ऑक्सीजन भरवा सकते हैं, नया नहीं मिलता। पर हमका तो सिलेंडर ही चाहिए, अर्जेंट है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? ऐसा पर्ची है? नहीं, पर हमका डॉक्टर ही बोले सिलेंडर लाने को। अरे कहाँ से लाओगे तुम? हाँ, ये लाइन में लगे हैं, उनके पास सिलेंडर है फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ से लाओगे? काम करो, कोई एनजीओ चले जाओ, इधर टाइम बर्बाद मत करो, समझे? हाँ हेलो, हाँ पापा मिल गया अभी। मैं लेट हो गया क्या पापा? संभालो भाई, संभालो। ऑक्सीजन का जरूरत है, हमारे पास ना पर्चा है ना सिलेंडर, तुम हमका ही दे दो।
सिलेंडर मिल ही गया था तो कुछ खाने का भी ले आते। बीमारियां तो ठीक हो जाइए पर हम कहीं भूख से ना मर जाएं साला। हाँ भूख तो लगले है। ये देखो ये पीछे मंदिर है तो आते वक्त लेते आए तुम्हारे लिए। बुधिया को अकेले छोड़ के मंदिर चले गए। अरे यहाँ रह के हम क्या कर लेते हैं, उसका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है। हे माधव जब तुम्हारी अम्मा बीमार पड़ी थी ना तुम उसकी बहुत सेवा की है तेरे, हमारी गोद में दम तोड़ी थी वो। ठाकुर साहब का शादी याद है तुमको? अरे हम तो बहुत छोटे रहे तब। छोटे तो कभी तुम थे ही नहीं बेटा। कहाँ शादी था ना, सूखा भाजी, तरी वाला भाजी, मिठाई, हलवा, पूड़ी, उस पर भी जो खाना है खाओ दाब के। आप तो लपेटे दिए होंगे सब। अभी सारा उनका लड़का लोग सब कंजूस निकला। हाँ अब तो सारा कोई शादी में बुलाई भी नहीं करता है। अभी भी याद करते तो मुंह में पानी भर आता है। खास आता हूँ। अच्छा हम थोड़ा बुधिया के पास बैठ के आते हैं। हाँ आप बैठिए। हाँ हो आओ हो। बुधिया बुधिया कहाँ हुआ बुधिया? बापू बुधिया 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 कहाँ हुआ माधव? बुधिया कहाँ हुआ पता नहीं, उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही है बापू। बुधिया ए ए भाई भाई ए देखो ना, उठ नहीं रही है। ए बुधिया देखो ना जल्दी कहाँ हुआ है। बुधिया ए देखो भैया कहाँ हुआ? नहीं नहीं अभी हो गया। अरे ऐसे कैसे रह गया भाई? क्या बोल रहे हो? अरे ये देखो ये सिलेंडर ठीक से नहीं लगा, नहीं होगा, इको लगाओ। बुधिया इनका पेपर है आप लोग के पास। बुधिया 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 उठ बुधिया। बहू माँ तो बुधिया मर गई। नहीं 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 मर गई बहू। बुधिया क्या करे? ए माधव ए संतोष को फोन लगा रहे। बुधिया हेलो संतोष बुधिया भाई अब क्या करेंगे हम? क्या हो गया रे? संभाल भाई संभाल। चाचा ये हॉस्पिटल वाले क्या बोले आगे कैसा क्या करने का? ठीक है मैं देख के आता हूँ। भाई वो बॉडी ले जानी है उधर पार्किंग में। रिपोर्ट्स आपके पास है नहीं और डेथ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर और 600 रुपये दोनों लगेंगे, बाकी आप बात कर लो। चली गई बुधिया। वो दाह संस्कार के लिए डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और डेथ सर्टिफिकेट के लिए 600 रुपये। साला मौत का भी पैसा, गरीब आदमी को इज्जत का मौत भी नसीब नहीं है। नहीं चाहिए कौन सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट, हम ऐसा ही ले जाएंगे। लेकिन माधव शमशान में पेपर की जरूरत पड़ेगी। साला जब जिंदा थी तब तो कोई और नहीं पूछा, अब सर्टिफिकेट चाहिए पेपर चाहिए, ऐसा ही ले जाएंगे, ऐसा ही जला देंगे अपनी बुधिया को। साला मार दिए सब मिलके। अब
चलाओ बेटा। मैं पूछ के आता हूँ। रुको, हम भी आते हैं। भैया वो हमारी बीवी का दाह संस्कार कराना है। भाई टोकन ले लो, नंबर आएगा मैं कर दूंगा। टोकन के लिए वो कागज मांगते हैं, कागज पत्र नहीं है हमारे पास। आप करा दीजिए, कछु ले लीजिए लेकिन करा दीजिए। बॉडी कुटे है, कोरोना था क्या? अरे तुमसे कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ पंडित और सामग्री का खर्चा है वो दे देना। बॉडी लेके आओ, जगह बनानी पड़ेगी। कफन दीजिए। अच्छा मैं ले आता हूँ। भाई कोई बात नहीं, उसका पैसा मैं नहीं लूंगा। जीते जी चितड़ा तक नसीब नहीं हुआ और मरने पर नया कफन। गजब रिवाज है भाई। अब कफन भी तो साथ में जल ही जाएगा ना। ठेकेदार का हिसाब तुम बताए नहीं। कहा बताते, बुईठो 1000 दिया, आधा से ज्यादा तो अंत्येष्टिये में लग गया। बाकी बोला बुधिया का कुछ हिसाब बचेगा तो बाद में देगा। पर अब का फायदा।
हम लोग भी तो एक दिन मरिए ना जाएंगे। ऊपर पूछा जाएगा कफन काहे नहीं खरीदे, का जवाब देंगे? कौन पूछेगा? पूछेगी जरूर। उनको कफन मिल गया ना, वो हम दिए या कौन और, क्या फर्क पड़ता है? सारा जिंदगी सब है के लिए कितना कुछ की, हम उनका पति का किए उनके लिए, ना बचा पाए ना कफन लाए। रे, बड़े आदमी के पास पैसा है, फूके हैं, हमारे पास का है? ये एक, एक और ये एक लिया। समय पर इलाज मिल जाता तो का बच ना जाती। साला पूरा सिस्टम में पैसा पे चलता है। गरीब आदमी मरता है तो मरे, जान का कोनो वैल्यू नहीं। ये बीमारी ना अमीर देखते ना गरीब, ना जात ना उम्र, इंसान इंसान से दूर रहेगा तो जिंदा रहेगा। वहां पूरा पैकेज था पता है, 15 दिन का 1,00,000, आईसू का 1,00,000, मरने पर भी पैसा पैसा। बुधिया को मोक्ष मिल गया, ये जंजाल से छुटकारा पायो। दूध चीज का है मंगाए? सुबह से कछु खाए बताओ? हमरे ना खाने से वो वापस आ जाएगी? हाँ, हम कब मर जाएंगे हमको नहीं मालूम। आज पैसा है, खा सकते हैं, हम खाएंगे। हम दोनों के खुश रहने से क्या उनको खुशी नहीं होगी? हाँ? ए बिटुआ, हम जब जाएंगे ना तब तुम रोना नहीं, खुश रहना। ऊपर का है का नहीं का पता, हमरे लिए तो ये जो आज है ना अभी यही स्वर्ग है। खाना मंगाए ठीक है, शराब का है मंगाए? शराब शरीर के भीतर का वायरस मार देती है। हाँ, और तुमको इसका जरूरत है। माधव बाबू, चलते रहना जरूरी है, साथ चलने वाला तो बदलता रहेगा।